नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नैनो स्टडी पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, RSI सेटिंग कैसे की जाती है, उसका ट्रेडिंग में कैसे उपयोग किया जाता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का क्या महत्व होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले बात करें RSI की। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को पहचानने में मदद करती है। RSI की वैल्यू 0 से 100 के बीच होती है और आमतौर पर 70 से ऊपर की वैल्यू ओवरबॉट और 30 के नीचे की वैल्यू ओवरसोल्ड मानी जाती है। बात करते हैं इसकी सेटिंग्स की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है टेक्निकल इंडिकेटर्स पे। ठीक है, इंडिकेटर्स का यहाँ पे सिग्नल बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे RSI, ठीक है, RSI। उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर क्लिक करेंगे, आपका इंडिकेटर्स लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं RSI सेटिंग्स के बारे में। ज्यादातर ट्रेडर्स 14 पीरियड RSI का उपयोग करते हैं। इसका मतलब कि RSI पिछले 14 कैंडल्स की प्राइस को ध्यान में रखकर कैलकुलेट किया जाता है, यानी अपनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से पीरियड को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज्यादातर 14 ही रहता है। ठीक है, लेकिन अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के हिसाब से इस पीरियड को एडजस्ट आप कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसको आप 9 कर सकते हैं। ठीक है, इसको 9 करेंगे और इसको 7 करेंगे। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म यानी इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको ये सेटिंग करना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ओके कर देंगे और एक और सेटिंग करेंगे। यहाँ पे SMA नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करेंगे, SMA यहाँ पे अनटिक रहेगा, टिक कर देंगे। ठीक है, और इसके कलर को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्लॉट को क्या करेंगे, ग्रीन कलर में कर देंगे, यहाँ पे हम ग्रीन कलर ले लेंगे। ठीक है, और स्मूथ MA को हम रेड कलर में चेंज कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे 17 है, इसको कितना कर देंगे, 16 कर देंगे, 60 कर देंगे, और बीच में 15 है, इसको 15 रहने देंगे, और यहाँ पे 13 है, इसको भी हमें क्या करना है, 40 कर देना है। अब देखिए चार्ट कितना आसान हो गया है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए जब भी मार्केट जो है ये रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर ग्रीन लाइन वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमें किस चीज़ का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल रहा है। देखिए यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला है, यहाँ से यहाँ पे अगर हम लोग बाय किए होते तो हमें इतना इतना टारगेट मिला होता। ठीक है, उसके बाद से ठीक ऐसे ही अगर रेड लाइन जो है ऊपर चला जाएगा और ग्रीन लाइन नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे सेल हो रहा है, यहाँ पे हमें सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे सेल करेंगे, देखिए मार्केट कितना नीचे चला गया है। ठीक है, इसको हमें कैसे पहचानना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हुआ है, यानी ग्रीन लाइन नीचे चला गया है और हमें सिग्नल मिल गया है और रेड लाइन ऊपर चला गया है। RSI पहले ही हमें सिग्नल दे दिया है, देखिए रेड कैंडल बनने से पहले ही हमें सिग्नल मिल गया है, यहाँ पे ग्रीन वाला नीचे चला गया और रेड वाला ऊपर चला गया। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखिए, जब भी ये 17 हमने 16 सेट किया था, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हमें क्या करना है, बाय करना है, और यहाँ पे 14 हमने सेट किया था, 14 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हमें सेल करना है। ठीक है, और हमेशा सपोर्ट पे क्या ढूंढते हैं, सपोर्ट पे हमेशा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढते हैं और रेजिस्टेंस पे बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करने का तरीका के बारे में। ठीक है, सबसे कॉमन तरीका है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स का उपयोग करना। जब RSI 70 से ऊपर हो तो हमें क्या करना है, हमें
हमें एक सिग्नल मिलता है कि स्टॉक जो है ओवरबॉट हो रहा है, इसमें करेक्शन आ सकता है, ऐसे समय पर हमें क्या करना है, शॉर्ट सेलिंग या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब 17 के ऊपर जाएगा तो हमें सेल पर ध्यान देना है, यानी देखिए यहाँ पे ऊपर गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन की ड्रॉ करेंगे और रेजिस्टेंस लाइन को जैसे ही टच करेगा तो समझिए कि वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो एक अच्छा सेलिंग जो है बन रहा है, सेलिंग सिग्नल बन रहा है, ठीक है। और जैसे ही जो है 13 के नीचे आएगा तो हमें बाय करना है, बाय का सिग्नल मिलता है, ठीक है। ऐसे समय में हमें बाइंग के बारे में सोचना है। अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यह रेशियो बताता है कि आप कितने रिस्क के बदले कितना रिवॉर्ड पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, तो इसका मतलब है कि आप 1 रुपये का रिस्क लेकर 3 रुपये का फायदा कमाना चाहते हैं। यह रेशियो आपको ट्रेड को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। रिस्क मैनेजमेंट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हमें हमेशा अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का एक छोटा हिस्सा ही रिस्क में डालें, ठीक है। अपनी कुल कैपिटल का 1 से 2% ही हमें क्या करना है, ट्रेडिंग में रिस्क लेना है, ठीक है। इसके अलावा स्टॉप लॉस का उपयोग करना नहीं भूलना है। स्टॉप लॉस आपके नुकसान को सीमित करने में मदद करता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा RSI की सेटिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग में इसका उपयोग कैसे किया जाता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का महत्व क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपके कमेंट्स का स्वागत करते हैं। धन्यवाद।